दूर तक आवाज आ रही है। कितना पानी पिया देखो, थोड़ा सा ठंडा करते हैं। फिर गिर गया था नहीं। चल ठंडा हो रहे। मेरे को आज की ब्लॉग की शुरुआत दो पैर से हो रही है क्योंकि मैं हल चला रहा हूँ और इतनी धूप हो गई है कि पसीना पसीना हो गया पूरा। ये देखो अपने सर में भी कितना पसीना पसीना हो गया और बैल भी कैसे कर रहे। तो अभी छाँव में चलते हैं, 2 मिनट इनको विश्रांति देते हैं। बैल कितने ये हो गए देखो, ऐसा कर रहा है, इसकी आवाज़ सुनो, थक गया है, धूप लगी इसको, इसको भी। ये अपने हाथी जैसे काम करते हैं। हाँ अभी इनको 2 मिनट विश्रांति और थोड़ा सा ही बचा है काम, फिर इनको पानी पिलाएंगे और घास चराने के लिए लेके जाएंगे। अभी छाँव में 2 मिनट, अपना चाबुक टूटा है तो उसको रिपेयर करते हैं और हेलीकॉप्टर भी ऊपर से गुजर रहा है। ये देखो रास्ता, चाबुक टूटा है, अभी इसको रिपेयर करते हैं क्योंकि परेशानी होती है। बैल भी थका, मैं भी थका, पसीना पसीना पूरा और पानी चला गया उस दिन से, तो अब आज तक नहीं गिरा। लगता है अकाल पड़ने वाला है, ऐसा भगवान से प्रार्थना करो कि अकाल मत पड़ा ना दो। वैसे इस साल बारिश कम हुई है तो बारिश ख़त्म होने वाली है, लेकिन जैसी चाहिए वैसी बारिश नहीं गिरी। यही गुजारिश करते हैं भगवान से कि पानी बरसात हो जाए। ज़रा सा बाकी है, इसकी ज़रूरत पड़ती है बैल को थोड़ा सा, थोड़ा हल्का हल्का सा मारने के लिए। और मेरा आराम भी हो गया और अभी चलते, थोड़ा सा बचा हुआ करते हैं क्योंकि अभी 1 बजने वाला है लगभग दोपहर के। और इतनी गर्मी हो गई है ना, इतनी गर्मी कि पूरा पसीना पसीना हो गया, बार बार कहता हूँ। तो चलो जल्दी, बैल भी उधर खड़े हैं, उनके पास एक पक्षी भी आए, बगड़ा, बगड़ा बोलते हैं हम लोग। तो अभी उधर भी एक है, तो अभी चलते हैं भाई। अभी ने अपन ने हल छोड़ दिया है और अभी अपन ने खाना भी खा लिया और उनको खूंट दिया है तब तक के लिए। तब तक मैं धान की खेती के लिए पानी लगा रहा हूँ, मोटर चालू किया है और इसमें से इसमें ये देखो पानी, ये पाइप लगा है इस वाले धान से इस वाले धान के लिए जाने के लिए जुगाड़ कर रहा हूँ। एक ही जगह पे मोटर का पानी छोड़ा है और एक ही जगह से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ताकि सब भी धान की खेती में पानी जाए, क्योंकि पानी अभी चला गया, क्या पता भाई पानी आएगा या नहीं आएगा बारिश। अभी किसान का बेहाल है और ऊपर से बिजली भी नहीं रही थी। ये वाले धान को पानी छोड़ रहा हूँ मैं, ये वाले, और उधर भी है, उधर वो अपन ने झरने का पानी ये करेंगे
देखते हैं कहाँ तक भरा है। कहाँ तक भरा है या नहीं भरा। ये तो पूरा भर गया है, अभी ये वाला कितना भरा है उसमें जाके ही देखते हैं। हाँ यहाँ है पानी, यहाँ आया है, ये देखो इसमें बज रहा है पानी है। आया ये आधा तो भर ही गए हैं, इसमें घास बहुत निकला है। अभी तक इधर नहीं पहुंचा, दिन भर चालू करना पड़ेगा लगता है। आया यहाँ तक आया है या नहीं आया, आगे जाके देखते हैं कितना भरा है। तो देखो भाई, ये है किसान का बेहाल। किसान इधर से भी भूखा मरेगा, उधर से भी भूखा नहीं लेकिन उन्नति नहीं होगी किसान की, क्योंकि बारिश नहीं हो रही इसकी वजह से। अभी यहाँ तक नहीं आया है और इधर पानी जमा रहता है, तो इधर अच्छा ज़्यादा मोटा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है। बहुत काम करना पड़ता है डेली। आप सोच रहे होंगे डेली क्या करता है ये खेती में, तो अपना काम ही है खेती में। ये पूरा भर जाएगा तो उसके लेवल पकड़ लेगा, यहाँ तक पानी आएगा तो वहाँ तक लेवल पकड़ लेगा। चलो अभी दूसरा देखते हैं। इस वाले धान में नहीं लगा है पानी, इसमें झरने का पानी लगाना पड़ेगा। ये देखो सूखा सूखा लग रहा है, इसमें पानी भी नहीं है जब से बारिश ख़त्म हो गई है। अभी इसमें झरने का पानी कल से डालेंगे, क्योंकि पाइप लगाना पड़ेगा। यहाँ तक तो है पाइप, इसमें पानी है क्या नहीं, यहाँ तक है पाइप, 8 पाइप लाना पड़ेगा ऊपर से और जोड़ना पड़ेगा ताकि ये भी अच्छा हो जाए। और भी है इधर तो से ऊपर वाले का पानी निकलता है, देखते हैं। ये ऊपर जो पानी लगा है वो यहाँ तक आता है। ये देखो और दूसरे में इसमें भी झरने का ही आएगा पानी, इस वाले में भी पाइप दोस्तों, इसकी वजह से इधर और ये इसकी रुपाई लेट हो गई थी, इसकी वजह से ये छोटा छोटा ही दिख रहा होगा आपको, लेकिन घास फूस पूरा मर गया है। इसमें कोई बात नहीं है, इसमें पानी छोड़े थे तो अच्छी तरह से आएगा। चलो दूसरा वाला देखते हैं। तो ये वाला देखो, इसमें भी पानी नहीं है लेकिन इसका भी जुगाड़ कर दिया मैंने, दिखा देता हूँ एक ही जगह से कितने जगह पे पानी आता है। ये और ऊपर का और ये दोनों को जो मैंने दिखाई वो दोनों को झरने का पानी डालना पड़ता है। इसका भी शायद पानी आ रही है लेकिन उस वो दिख रहा है ना वहाँ तक पानी नहीं जाता दोस्तों, उधर से मोटर का ही पानी डालना पड़ेगा। तो लेकिन अभी दोनों
अभी अपन इसको पानी देंगे और मैं खड़ा हूँ छाँव में और बहुत तेज से धूप लगी है। देखो मैंने सुबह सुबह कितना काम करता हूँ। चलाएंगे उनको, तो अभी चलते हैं और उनको छोड़ते हैं दोस्तों। और ये चारा खा रहे और अभी आ गए नद के पास, तो अभी उनको पानी पिलाते हैं। अभी लेके चल रहे पानी पिलाने। चलो जी, ये देखो क्योंकि बहुत धूप भी बहुत तेज है और उनको प्यास भी बहुत ज़ोर से लगी है। पहले हरने को लेता है क्योंकि इधर जाने के लिए कम जगह है। ये दोनों भाई कर रहे हैं। ये देखो हरने पानी पी रहा है और राजू किधर का, उसका रस्सी छूट गया मेरे हाथों से। कितना पानी पी रहा है ये, बहुत प्यास लगी है। और ये राजा इधर फंस गया है, ये देखो उसके पैर में रस्सी फंस गई, उसकी निकालने दे, तेरे को भी पिलाएंगे, जगह कम है। इसका हो गया दोस्तों पानी पीना। आ जाओ रे, अब तुम्हारी बारी है, ये आ जाओ। पानी पी रे, चल। प्यास लगी है क्या? नहीं, हाँ लगी बोल रहा है। मेरी देखो पानी पी रहा है अभी राजा, नहाने का मन कर रहा है इसको। शायद थोड़ा सा ठंडा करता हूँ मैं, लेकिन पानी पीने दो दोस्तों। देखो कैसा कर रहा है, बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी इसको, इतनी दूर तक आवाज़ आ रही है। कितना पानी पिया देखो, थोड़ा सा ठंडा करते हैं। फिर गिर गया था मैं। चल ठंडा हो रहे। चल राज, मेरे को कपड़ा निकालना पड़ेगा दोस्तों। चलो थोड़ा सा ही हो गया। थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा उसको। कपड़ा निकालना पड़ेगा, इसीलिए मेरे को सर्दी हो गई, इसलिए मैं नहाता नहीं। तो बैल ने पानी पी लिया और राजा ठंडा भी हो लिया। आज का ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो। सब्सक्राइब कर दो यार दोस्तों। चलो बाय बाय।